भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र रिलीज कर दिया है। इस मौके पर जेपी नड्डा मौजूद थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जयपुर में मौजूद थे और लोक लुभावन वादे राजस्थान की जनता से किए गए हैं, तो हम उनके बारे में आपको बताएंगे और कांग्रेस का जो साथ जो वचन पत्र है वो क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं जो भाजपा का संकल्प पत्र है सबसे पहले उससे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र रिलीज किया है उसमें जो गरीब परिवार की जो स्टूडेंट्स हैं उनको केजी से लेकर पीजी तक की जो मुफ्त एजुकेशन देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो जो लड़कियां 12th क्लास में पढ़ रही हैं उनको फ्री स्कूटी देने की बात इस संकल्प पत्र में कही गई है। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में बना हुआ है, तो पेपर लीक के पूरे मामले की SIT जांच कराने का वादा इस संकल्प पत्र में किया गया है और अपराधियों को सजा दिलाने की बात कही गई है। नौकरियों को लेकर एक बड़ा वादा किया गया है और कहा गया है कि 2.5 लाख नौकरियां अगर भाजपा की सरकार बनती है तो 2.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी और महिला सुरक्षा को भी इस संकल्प पत्र में शामिल किया गया है और हर जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में एक महिला डेस्क स्थापित करने की बात कही जा रही है ताकि कोई लेडी अगर पुलिस थाने आती है तो वो वापस ना जाए बल्कि जो उसकी शिकायत है वो दर्ज हो और उस पर कार्रवाई हो। एंटी रोमियो स्क्वाड स्थापित करने की बात कही गई है कि जो स्कूल कॉलेज की जो बच्चियां हैं उनके 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 स्कूल के बाहर जो एंटी रोमियो स्क्वाड की ड्यूटी लगेगी और ऐसे जो तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में जो मेडिकल की जो सिचुएशन है, अस्पतालों की जो बाकी जो दूसरे चिकित्सालय हैं उनकी व्यवस्था सुधारने की बात कही गई है और 15,000 डॉक्टर की नई नियुक्तियां होंगी और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ भी रखे जाएंगे। और जो लाडली प्रोत्साहन योजना की बात कही गई है कि बच्ची पैदा होने पर 2 लाख के जो बॉन्ड हैं वो राज्य सरकार देगी। जो कमजोर वर्ग के स्टूडेंट हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको 1200 रुपए देने की बात कही गई है कि उनको 1200 रुपए यूनिफॉर्म के तौर पर दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ा वादा इस संकल्प पत्र में किया गया है कि 450 रुपए प्रति सिलेंडर उनको सब्सिडी दी जाएगी अगर भाजपा की सरकार आती है। और एक लखपति दीदी योजना की बात कही गई है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको कौशल परीक्षण इसमें दिया जाएगा और एम्स की तर्ज पर राजस्थान में ढेर सारे हॉस्पिटल बनाने की बात कही गई है कि राजस्थान में एम्स की तर्ज पर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको जो है किसी भी हालत में सुधारा जाएगा। और गेहूं खरीद को लेकर वादा किया गया है कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार गेहूं खरीदेगी ताकि जो किसान हैं उनको तकलीफ ना हो और जो उनका उनका जो गेहूं की जो फसल है वो बिक जाए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी का जो जो साथ जो वादे किए गए हैं, जो कांग्रेस ने जो कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस क्या करेगी, तो जो इसमें सबसे पहला वादा है कि जो परिवार की जो महिला मुखिया है उसको 10,000 रुपए कांग्रेस की सरकार बनने पे दिए जाएंगे। 2 रुपए किलो गेहूं खरीद की बात इसमें कही गई है और जो सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको लैपटॉप या टैबलेट देने की बात कही जा रही है कि उनको लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा स्कूल में ताकि जब वो पढ़ाई करें तो उसमें उनको आसानी हो, उसमें कोई उनको परेशानी ना आए। हर स्टूडेंट को जो इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन देने की बात कही गई है कि उनको इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन दी जाएगी। हालांकि याद होगा आपको कि एक टाइम में अशोक गहलोत विरोधी थे, वो इंग्लिश के वो हिंदी की बात करते थे, लेकिन इस बार इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। और ये भी वादा किया गया है कि जो 1 करोड़ जो परिवार है उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार देगी। और जो सबसे बड़ा वादा है वो पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी जिससे पूरे राजस्थान में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको फायदा मिले। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपना मैनिफेस्टो एक तरह से बता दिया है कि सत्ता में वो आएंगे तो क्या करेंगे। अब ये राजस्थान की जनता पर निर्भर करता है कि वो किसको इसमें किसको अपना वोट देती है और किसके मैनिफेस्टो से वो प्रभावित होती है।